हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का पार्ट टू करेंगे आज हम लोग। प्रोनाउन का पार्ट वन हम लोग कर चुके हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें हम लोग प्रोनाउन का डेफिनेशन किए थे और प्रोनाउन के काइंड्स, और उन्हीं काइंड्स में से प्रोनाउन का पार्ट टू में हम लोग करने वाले हैं टू काइंड्स, जो कि है पर्सनल प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सो इसमें रहेगा पर्सनल और इंटरोगेटिव का डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स एंड उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज। सो लेट स्टार्ट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन इज़ अ शॉर्ट वर्ड वी यूज इंस्टेड ऑफ अ प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन वो शॉर्ट वर्ड होता है जो कि हम लोग एक प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, मतलब एक जो प्रॉपर नेम होता है पर्सन का, उसके सिवा जो हम लोग यूज़ करें। ठीक है, एग्जाम्पल्स है आई, यू, ही, शी, इट, वी, एक्सेट्रा। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक्सरसाइज कर लेंगे, और अगर इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग का डाउट को सॉल्व कर दूँगी। सो पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो कि हम लोग एक प्रॉपर नेम, एक जो प्रॉपर नेम होता है उसके सिवा जो हम लोग यूज़ करें उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड, विच नहीं है, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। तो इंटरोगेटिव से ही पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन को पूछने के लिए होता है। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? एक प्रोनाउन जो कि क्वेश्चन को पूछने के लिए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? व्हेन, हाउ, हु, विच, हुम, व्हाट, एक्सेट्रा। ठीक है, और इसको क्लियर करने के लिए हम लोग एक्सरसाइज तो करेंगे, और अगर इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन आखिर होता क्या है? वो होता है जो कि क्वेश्चन को पूछने के लिए जो यूज़ हो उस प्रोनाउन को कहते हैं। जैसे कि व्हेन, तो ये हो गया एक प्रोनाउन, व्हेन हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो ये यूज़ होता है क्वेश्चन को पूछने के लिए, तो वो हो गया एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रोनाउंस। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है? अ बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज डैश हैज़ विंग्स। तो एक बर्ड फ्लाई कर सकती है क्योंकि यहाँ दे हैज़ विंग्स तो नहीं होगा, इट हैज़ विंग्स होगा। मतलब यहाँ पे सूटेबल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन क्या है? इट। यहाँ पे क्या होगा? इट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? द डॉग वॉज हंग्री सो आई फेड देम, तो नहीं होगा, इट होगा। तो ये हो गया सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन इस सेंटेंस के लिए। सी क्या है? आई लुक्ड फॉर द बुक बट कुड नॉट फाइंड हर, तो नहीं होगा, बुक हर तो नहीं होगा, इट होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? इट। डी क्या है? एम जे अकबर मेट अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर, और फिर यहाँ पे क्या है? एम जे अकबर मेट अब्दुल कलाम डैश टॉक्ड फॉर एन आर। तो यहाँ पे एम जे अकबर मेट अब्दुल कलाम, इट टॉक्ड फॉर एन आर तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा दे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दे। ठीक है, फिर क्या है? अ डॉग बार्क्ड एट टीना एंड रैन आफ्टर हिम, तो नहीं होगा, टीना तो हर है, तो मतलब टीना तो फीमेल है, मेल तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा आंसर। फिर क्या है? डैश आर गोइंग टू द पार्क, आई आर गोइंग टू द पार्क नहीं होगा, यहाँ पे पर्सनल सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, सो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज। तो पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया आप लोग को? अगर नहीं हुआ हो, कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन फॉर ईच। ओके, सो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज माई स्कूल बैग। तो
कहाँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो बनेगा, हु इज़ माई स्कूल बैग तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या सेट होगा, वेयर से, ठीक है, वेयर इज़ माई स्कूल बैग, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेयर. फिर क्या है, डैश डिड यू नॉट कम सूनर, तो वेन डिड यू नॉट कम सूनर तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है कि नहीं इससे नहीं होता है, यहाँ पे जो सूटेबल है, जो कि यहाँ पे सही होगा, उससे मतलब है, ठीक है. सो नंबर, मतलब सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाई डिड यू नॉट कम सूनर, यहाँ पे पूछा जा रहा है, और फर्स्ट वाले में भी पूछा जा रहा है कि मेरा स्कूल बैग कहाँ है. सेकंड में क्या है, मतलब आप जल्दी क्यों नहीं आए, व्हाई होगा यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है. फिर क्या है, डैश विल सीमा रिटर्न, तो डैश विल सीमा रिटर्न मतलब व्हेन विल सीमा रिटर्न, हु विल तो नहीं पूछ तो नहीं रहा है कि सीमा कौन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि सीमा कब आएगी, तो व्हेन, ठीक है. थर्ड का आंसर हो जाएगा व्हेन. और कर लेते हैं जो कि बचा हुआ है. डी का क्या है क्वेश्चन, डैश विल द बस स्टार्ट, तो विच विल द बस स्टार्ट, बस तो पूछ नहीं रहा है कि कौन सा बस है, विच यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, व्हेन विल द बस स्टार्ट, ठीक है. फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, डैश डिड यू लूज योर पर्स, विच मतलब यहाँ पर्स तो पूछ नहीं रहा है कौन सा पर्स खो गया है, तो यहाँ पे क्या है, हाउ डिड यू लूज योर पर्स, मतलब कैसे भूला गया तुम्हारा पर्स, ठीक है. तो समझ में आ गया इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ, और डी का आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन, ठीक है. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब इंटरोगेटिव प्रोनाउन से भी रिलेटेड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है. अगर आप लोग को कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हो या मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक आप लोग ने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.